मैंने 6 घंटे लगाए इसे पार करने के। इट्स अ बेस्ट गेम भाई, ओनली हियर। तू पिछले 7 साल से यही कर रहा है भाई। मुझे गेम्स पसंद है, मेरा गेमिंग चैनल है, मैं गेम्स ही डालूंगा, मैं गेमिंग ही करूंगा ना भाई। मुझे पता है तुझे गेम्स पसंद है, तुझे गेमिंग पसंद है, तुझे गेमर बनना है, पर इंडिया में ना गेमिंग की उतनी ही इज्जत है जितनी इस न्यू जनरेशन में प्यार की। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको ऐसी 6 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका गेमिंग चैनल जो है बूम हो जाएगा 2024 में। सो टिप नंबर 1, कंसिस्टेंसी। आपके पास कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। डेली वीडियोस डाले या फिर हफ्ते में 3 वीडियोस डाले, पर डाले ज़रूर। दूसरी चीज़, यूनिक कंटेंट। अगर आप एक गेमर है तो आपको यूनिक कंटेंट लेके आना है। हमें नहीं पता कैसे लेकर आओ, कौन सा यूनिक गेम लेके आओ, जड़ से उखाड़ के, पाताल से उखाड़ के, पर आपका गेम यूनिक होना चाहिए जो किसी ने भी ना दिखाओ। टिप नंबर 3, आपके पास एक कूल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हंसी मजाक करने वाली। आप हॉरर गेम खेल लो, फनी गेम खेल लो, कोई सा भी गेम खेल लो, आपको हंसना है, ठीक है। इट डज नॉट मैटर कि गेम क्या चल रहा है, आपके पास हंसने वाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कूल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप एक कॉमेडियन होने चाहिए। ट्रिक नंबर 4, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। आप किसी से शाउट आउट नहीं मांगना, किसी के साथ जाके खेल के कोलैब मत करना, ठीक है। और इससे ना क्या होगा ना कि आपके पास रेड वगैरह आ जाएगी, लोग आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, बट वो जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने किसी के कहने पे आपको सब्सक्राइब करा है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डेड हो जाएंगे। सो सब्सक्राइबर जेन्युइन होने चाहिए, अपने आप आने चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना, खुद से आनी चाहिए। और यह है टिप नंबर 5, एक अलग से यूनिक सा टाइटल डाली। टाइटल और थंबनेल आपके ऐसे होने चाहिए कि चिंगारी निकल जाए, आग लग जाए एकदम। टाइटल तो ऐसा होना चाहिए कि उस पढ़ते ही ना बंदा क्लिक कर दे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका थंबनेल और आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि उस पर ना नजर पड़ते ही बस क्लिक हो जाना चाहिए। और ट्रिक नंबर 6 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग। अपनी वीडियो के अंदर भर भर के एडिटिंग करिए, भर भर के मीम्स डालिए, जोक्स डालिए, बूम बाम। मतलब एक 2-3 घंटे का गेम प्ले को आप 10 मिनट का बना दो तो भाई बहुत ही मजा आ जाएगा, उससे फिर आपका चैनल बहुत जल्दी बूम हो जाएगा। सो ये थी मेरी 6 ट्रिक्स 2024 में गेम चैनल ग्रो करने के लिए। तो अब तुमको क्या लगता है, जो मैंने यहाँ पे 6 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, इससे क्या तुम्हारा चैनल सच में ग्रो हो जाएगा? अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू ग्रो गेमिंग चैनल, सो तुम्हें हज़ारों वीडियो देखने को मिलेगी, 2021, 2022, 2023, 2024 कुछ भी डाल लो, सब में तुम्हें 6 टिप्स एंड ट्रिक्स को आगे पीछे करके बता दिया जाएगा। और आधे से ज़्यादा चैनल जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं हाउ टू ग्रो गेमिंग चैनल, उनका चैनल गेमिंग का होता ही नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब को एनालाइज करने की बताते कि हमने यूट्यूब को एनालाइज करा और हमें लगता है कि ये जब आपने एक्चुअल में वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी तो आप उसके टिप्स कैसे दे सकते हो। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा पिछले 7 साल का गेमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से गेमिंग कर रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली है, 1-2 हज़ार से ज़्यादा मैंने स्ट्रीम्स करी हैगी, और मैं फोर्टनाइट का एशिया में सोलो प्लेयर था टॉप 5 के अंदर। सो आज मैं मेरे अप्स एंड डाउन्स, मेरी गलतियाँ, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो के एंड में हम एक्चुअली वो चीज़ों पर फोकस करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा चैनल जो है बूस्ट हो या फिर ग्रो करे। मतलब आई डोंट नो 100% ग्रो करे या ना करे, पर हम गलत चीज़ें करने से तो बच ही सकते हैं। सो देखो, गेमिंग में तो मेरे को इंटरेस्ट पहले से ही था, पर मैंने यूट्यूब चालू करने की तब सोची जब मैंने 2022 में पीडीपाई को देखा। पीडीपाई का अनचार्टेड 4 का गेम प्ले देख के मैं बोला भाई ये तो बहुत कैडी गेम है। अनचार्टेड 4 मैंने उस वक्त पहली बार देखा था, और ऐसे ग्राफिक्स देख के मतलब मेरे को लगा भाई कोई गेम ऐसे दिख भी सकती है। उसके बाद मैंने उसकी इन्फेमस सेकंड सन की वीडियो देखी, एंड देन आई डिसाइड कि भाई मेरे को तो गेमर बनना है। पर उस वक्त मेरे पास कुछ भी ऐसा था नहीं कि मेरे पास पीसी था या फिर वो था, तो मैंने मोबाइल पे गेम खेलने चालू करे थे, ठीक है। मोबाइल पे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था थोड़े से, वो CS:GO जैसा एक गेम था, मेरे को नाम नहीं याद। फिर इंडिया में आती है 2 और गेमर्स, वो 2 गेमर्स मिस्टर बी गेमर और प्रकाश गेमर। मिस्टर बी गेमर का चैनल तो अभी भी देखने को मिल जाएगा, पर प्रकाश का तो चैनल ही शायद से डिलीट हो चुका है, ठीक है। वो दोनों GTA 5 की रेसेस करते थे GTA ऑनलाइन में, ठीक है। तो उनमें उनको 800 से 1000 की वॉचिंग आती थी, और मिस्टर बी गेमर ने तो इविल विथिन जैसे गेम भी अपने चैनल पे सबसे पहले खेले थे। मतलब मेरे को लगता है इंडिया में सबसे पहले मिस्टर बी गेमर ही था जिसने इविल विथिन खेला था। तो उनको देखने के बाद मेरे को लगा यार अब तो मेरे को चैनल चालू करना चाहिए, इनकी 800 से 1000 वॉचिंग आ रही है और कितने कूल लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गेम्स खेल रहे हैं। पर उस वक्त भी मेरे पास कोई कंसोल या डिवाइस नहीं था, सो आई गो फॉर एक्सबॉक्स। तो मैंने फिर एक एक्सबॉक्स खरीदा, ठीक है। एक्सबॉक्स खरीदने के बाद मैंने अपने टूटे फूटे पीसी से जो है GTA 5 खेलना चालू करा, एंड मेरी वॉचिंग भी
15 से 20 होने लग गई। काफी सारे लोग मेरे को आके देखने लग गए, मैं भी लाइक कि भाई बढ़िया है। तो उन दो गेमर्स के बीच में एक गेमर मैं भी आ गया था। सो उसके बाद एंट्री होती है पबजी पीसी की। अब जैसे ही पबजी पीसी लॉन्च होता है, पीसी वाले सारे गेमर्स जो पबजी पीसी को पकड़ लेते हैं और उनकी वॉचिंग बढ़ने लगती है। पर जो कंसोल पे खेलते थे, जैसे प्रकाश गेमर हो गया, मैं हो गया, हमारी वॉचिंग बहुत ज्यादा कम होने लगती है। इसी के बाद कैरी मिनाटी की एंट्री होती है। कैरी मिनाटी पबजी पीसी खेलना चालू करता है पर उसको खेलना नहीं आता। सो वो गेमिंग कम्युनिटी में से दो लोगों को उठाता है, राका एंड सिख वॉरियर, एंड वो तीनों साथ में खेलना चालू करते हैं और फिर पबजी का राइज शुरू होता है। पबजी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है और हम ऐसे बैठा हुआ मैं देख रहा था कि भाई मेरे पास तो कंसोल ही कंसोल है, मैं कैसे खेलूंगा। और फिर उसके दो महीने बाद जुलाई 2017 में फोर्टनाइट की एंट्री होती है, जहां पे हर कोई पबजी पीसी खेल रहा था। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा प्रो प्ले फोर्टनाइट, तब तक मैंने PS4 खरीद लिया था। एंड आई वाज सेइंग लाइक भाई अगर मैं GTA 5 के अलावा और कुछ खेलता हूँ मेरी वॉचिंग नहीं आती, क्योंकि पबजी पीसी मैं नहीं खेल सकता, ठीक है। तो फिर उसने मेरे को बोला कि भाई देखो जो फोर्टनाइट है वो पबजी पीसी की तरह ही है, आप ट्राई करो। और फिर मैंने फोर्टनाइट ट्राई करा और स्टार्टिंग के 1000 मैच मैं सिर्फ मरा हूं, क्योंकि मेरे को गेम खेलना ही नहीं आता। तो मेरा पहली मल्टीप्लेयर गेम था जिसमें ऐसे गन वन चल रही थी। एक गेमर की आदत होती है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैं सीख के रहूंगा। मेरा वो अंदर था कि मैं इस गेम को जीत के रहूंगा। और फिर मैंने फोर्टनाइट खेला 1000 मैच में जाता था, लोबी आता था, लोबी से गेम से लोबी, यही कंटिन्यू चल रहा था। मैंने यूट्यूब पर टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करी, जीरो, क्योंकि कोई खेलता ही नहीं है तो कोई बनाएगा क्या। मैं अकेला खेलने वाला था इंडिया के अंदर। फिर एक बंदा आता है अमेरिका से एक फोर्टनाइट प्लेयर आता है जो कि पंजाबी था, एंड ही टीच मी हाउ टू प्ले फोर्टनाइट। और उसके बाद मैं मेरी पहली फोर्टनाइट की विक्ट्री लेता हूँ। और फिर क्या था, मैं गेम खेलता रहा, जीतता रहा, सीखता रहा, और मैं कैंपिंग वगैरह भी करता था। बट फोर्टनाइट में उस वक्त वो गेम इतना हार्ड था कि कोई उसको टच भी नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो लोग उसको खेलते ही नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, उस गेम में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। सोचो 1000 मैच में हारा हूं, जब जाके मेरी पहली विक्ट्री रॉयल आई थी। खैर मैं तो नूब था, पर जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी विक्ट्री लेने में बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। पर फिर मैं वहाँ पे विक्ट्रीज लेता गया और मेरी वॉचिंग जो है वो फिर से बढ़ने लग गई, मेरी 30 की वॉचिंग हो गई थी। पर यहाँ पे फैक्ट की बात पता है, ज्यादातर ऑडियंस पाकिस्तान से थी या फिर बाहर देश से। इंडिया के लोग फोर्टनाइट देखते ही नहीं थे। सो अब हम कहानी में थोड़ा आगे आ चुके हैं, 2017 से 2021, 4 साल आगे। अब 2021 में एंट्री होती है पबजी मोबाइल की, और जैसे ही पबजी मोबाइल आता है सारे पबजी पीसी वालों की हालत खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी मोबाइल ऑडियंस थी, देखो मैं बता रहा हूँ, मोबाइल ऑडियंस पीसी गेम्स देखती थी, पबजी पीसी भी देखती थी, GTA 5 भी देखती थी, पर जैसे पबजी मोबाइल आया दे स्विच, अब पबजी पीसी वालों की वॉचिंग हो गई है कम, क्योंकि पबजी पीसी को देखते ही नहीं है, मोबाइल देखते हैं। और वहीं पे द लेजेंड सबित सैनी, भाई की वॉचिंग चल रही है 100+। अब जितने भी ये गेमर्स थे ना पबजी पीसी वाले, इन्हें अब कुछ था नहीं, भाई वॉचिंग कम हो रही थी, तो उन्हें लगा कि भाई अब क्या करें। अब मैं बताऊं, सबकी नजरों में मैं आया था, पर आगे बताता हूं कि हुआ क्या, ठीक है। तो उन्होंने देखा भाई इस बंदे की वॉचिंग 100 आ रही है फोर्टनाइट के ऊपर, सो व्हाई कांट वी प्ले, तो हम भी शुरू करते हैं। तो उन्होंने फोर्टनाइट खेलना शुरू करा, पर गेम इतना हार्ड है भाई, हलवा थोड़ी है, तुम्हारे भाई ने 1000 मैच हारे तब जाके जीते। उन्हें लगा पबजी की तरह है फोर्टनाइट, जानी है बंदूक चलानी है। पर जब आप पबजी पीसी से फोर्टनाइट पे आते हो ना, तो आपके साथ पता है क्या होता है। नाइस टू नो इसकी एक 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 वो नहीं लगी, एक एक जिसे कहते हैं ना, एक गोली नहीं लगी उसे, एक गोली। सो फोर्टनाइट इतना हार्ड था कि इंडिया में लोगों ने ट्राई तो करा बट कोई स्टिक नहीं हो पाया। कैरी मिनाटी पबजी मोबाइल पे स्विच हो गया और सिख वॉरियर और राका गेमिंग जोन उन्होंने ट्राई करा, बट उनकी जो पबजी पीसी की ऑडियंस थी दे स्पैम की भाई पबजी पीसी खेलो, अगर वो लोग फोर्टनाइट खेलते तो उनकी पबजी पीसी की भी वॉचिंग कम हो रही थी। सो दे स्टार्ट प्लेइंग पबजी पीसी। तो मेरे को लगा कि यार अगर मैं लोगों के साथ खेलूँ और हम विक्ट्री ले, सो शायद फोर्टनाइट का भी इंडिया में उतना ही क्रेज हो जितना पबजी पीसी का हुआ है। रिमेंबर, अगर कैरी मिनाटी, राका गेमिंग जोन और सिख वॉरियर के साथ पबजी पीसी नहीं खेलता तो शायद पबजी पीसी का भी क्रेज इतना इंडिया में नहीं आ पाता। बिकॉज मानो या ना मानो, राका एंड सिख वॉरियर उस वक्त पबजी के गोड लेवल प्लेयर्स थे, जिन्होंने कैरी के साथ खेल खेल के अपना इतना बढ़िया गेम प्ले ऑडियंस को दिया कि लोगों ने उनको पसंद करना चालू कर दिया, और इस वजह से इंडिया में पबजी पीसी का इतना क्रेज हुआ। बिकॉज अगर आप गेम में हार ही जा रहे हो ना, हार ही जा रहे हो, तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, बट इफ यू विन
लोगों को मजा आता है, क्योंकि जब आप जीतते हो तो लोग जीतते हैं। तो फिर मेरे को लगा अगर मैं इन लोगों के साथ कोलैब करूं, इनके साथ फोर्टनाइट खेलूं, तो फोर्टनाइट का भी इंडिया में उतना क्रेज हो जितना पबजी पीसी का हुआ था। सो मैं इनके पास जाता हूं एंड आई सेड कि भाई लेट्स प्ले फोर्टनाइट टुगेदर, दे इग्नोर। मैं मेरी ऑडियंस को लेके जाता हूं, दे इग्नोर कि आपको हमारे साथ खेला है तो सुपर चैट दीजिए। एंड देन मैंने सुपर चैट दी, दे इग्नोर। फिर मैंने बोला कि अगर आपको सुपर चैट इग्नोर ही करनी थी तो आपने कहा क्यों, एंड दे अब्यूज एंड बैन मी। सो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स देयर चॉइस। सेम थिंग हैपेंड विद राका गेमिंग जोन, सेम चीज। अब मैं एक रीजन देता हूं कि उन्होंने मेरे साथ क्यों नहीं खेला, बिकॉज इन लोगों का नाम था कि दे आर बेस्ट पबजी पीसी प्लेयर, और वहीं पे अगर एक फोर्टनाइट प्लेयर जिसकी अच्छी खासी वॉचिंग आ रही है अगर वो इनके साथ खेलेगा, सो मे भी लोग नया गेम देख के उसके ऊपर स्विच हो जाए और इनकी बच्ची कुछ पबजी पीसी की ऑडियंस भी चली जाए। सो इन्होंने रिस्क नहीं लिया। तो मैं तुम्हें एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक बार सिख वॉरियर की सब गेम्स चल रही थी फोर्टनाइट की, और मेरा एक दोस्त ज्वाइन कर लेता है एंड ही सेड कि भाई आप सैफ सानी के साथ खेलिए, ही इज अ इंडिया टॉप फोर्टनाइट प्लेयर, आज सब गेम्स आ गया, आज आप उसको सब गेम्स में खिला लीजिए। एंड ही इग्नोर, मेरे को सब गेम्स में भी नहीं खिलाया गया। अब देखो मेरे को ये नहीं कि मेरे पास वॉचिंग कम है या ऑडियंस कम थी, मेरे पास अच्छी खासी वॉचिंग थी, अच्छी खासी ऑडियंस थी, बट इंडियन नहीं थी, या तो पाकिस्तानी थी या बाहर देश की थी। इंडिया के बहुत ही कम लोग थे, मतलब 20 या 10-20 लोग हो गए बस। सो इंडिया की ऑडियंस कम थी। मेरे को था कि मेरे को फोर्टनाइट से इतना प्यार था कि मेरे को लगता था कि मैं इंडिया के अंदर उस गेम को फेमस कर दूं, मैं सबको फोर्टनाइट दिखाऊं कि भाई देखो। और हो भी क्यों ना, जो गेम ग्लोबली में आग लगा रहा है, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड में टॉप गेम हैगा, इंडिया के अंदर उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो दुख नहीं होता क्या? होता है भाई, मेरे दिल को दुख था। बट एन ही इग्नोर मी एंड देन आई डिसाइड कि जो करना है खुद से करना है। अगर आप मेरे दिमाग में उस वक्त कोई गेम वेम्स नहीं थे, मैं गेमर वेमर नहीं था, मैं सिर्फ फोर्टनाइट प्लेयर था, मेरे दिमाग में सिर्फ फोर्टनाइट था एंड आई वाज लाइक कि मेरे को इस गेम को जो है फेमस करना है। फिर मैंने एडिटिंग सीखी एंड आई स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस, क्योंकि वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं, वीडियो वायरल हो सकती है। और मैंने ट्यूटोरियल्स वीडियो बनानी चालू करी कि आप गेम को कैसे खेले, गेम में कैसे सर्वाइव करें, गेम को कैसे जीते, टॉप 3 में कैसे सर्वाइव करें, टॉप 10 में कैसे सर्वाइव करें, गेम में अच्छे कैसे प्लेयर बने। एंड हाँ, उसमें काफी अच्छे सारे रिस्पॉन्स भी आ रहे थे, 1,000 से 2,000 व्यूज मेरी हर वीडियो पे आने लग गए थे। अभी सब कुछ बहुत सही चल रहा है। तो अभी मैं सोलो खेल रहा हूँ, अच्छे से विक्ट्री वगैरह आ रही है, वॉचिंग अच्छी खासी आ रही है, 200-300 की वॉचिंग बढ़िया से चल रही है, और इंडिया में 2-3 फोर्टनाइट स्ट्रीमर्स भी आ गए। बट उन स्ट्रीमर्स ने ग्रो करने के लिए काफी गलत चीज करी। अब देखो, तुम्हें ग्रो करने के लिए तुम दो ट्रिक यूज कर सकते हो, और ये टॉप 6 की तरह ट्रिक नहीं है, एक्चुअल ट्रिक्स है। या तो कोलैब करो या फिर आप कंट्रोवर्सी करो, एंड दे चूज कंट्रोवर्सी। वो अपने डिस्कॉर्ड से 10-12 लोग मेरी चैट में भेजते थे गालियां देने के लिए, और मैं बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाता था उस वक्त पे, तो मैं दोबारा से गालियां देता था। एंड उन्होंने फिर एक चीज़ बोली कि सैविज सैनी अपनी ऑडियंस को गाली देता है, और इस चीज़ के चलते मेरी 250-300 की वॉचिंग जो है वो 50 की हो गई। और अब इस कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट, एक लड़की, एक गेमर गर्ल, एक लड़की आती है मेरे को DM आता है इंस्टा पे, मतलब कुछ बातें होती हैं, देन वी स्टार्ट प्ले टुगेदर। ठीक है, काफ़ी अच्छी बातें होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। जी जी बोलो। क्या बोला था मैंने? अच्छी खासी, मतलब उसके आने के बाद से मेरी वॉचिंग भी काफी अच्छी जाती है। ठीक है, एटलीस्ट लाइक 800 to 1K, 800 से 1K की वॉचिंग अब हमारी बहुत सही जा रही है। ठीक है, हम अच्छे से साथ में कंटेंट बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्ट्रीम कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि शी लीव, फिर वो चली जाती है छोड़ के। ठीक है, सब कुछ एकदम ऐसा हो जाता है मेरे लिए कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यो कुछ समझ नहीं आ रहा, ओ माय गॉड भाई अब क्या करूं मैं। एंड आई वाज लाइक यू भाई ओफ। और उसके बाद फिर मैंने 2 साल के लिए, क्या 2 साल के लिए गेमिंग बिल्कुल बंद कर दी। मतलब मैंने गेमिंग क्या, मतलब मैंने चैनल पे बहुत कम एक्टिव हो गया था मैं, ये छोड़ो यार नहीं हो रहा तो छोड़ो रहन देते ऐसा कि। और अब जब मेरा फोर्टनाइट से हाथ छूटा तो मैंने फिर बाकी गेम्स की तरफ देखा जो मैं कभी खेलना चाहता था, जो मैंने खरीदे थे, स्पाइडरमैन 2018 और गॉड ऑफ वॉर 2018। मैंने रिलीज डेट पे ही गेम खरीद ली थी पर मैंने उनको कभी खेला नहीं क्योंकि मैं फोर्टनाइट के पीछे पागल था। बट मैंने जब फोर्टनाइट से छुटकारा पाया तो मैंने फिर वो गेम खेली और आई वाज लाइक भाई बहुत बढ़िया है। मैंने वॉकिंग डेड की सीरीज वगैरह भी खेली और गोस्ट ऑफ सुशिमा भी खेली, पर
मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि इंडिया में तो इसकी भी ऑडियंस नहीं है, इंडिया में ऑडियंस पबजी मोबाइल के अलावा किसी की बची ही नहीं है, बट बीस बोशिप की अच्छी खासी वो व्यूज आ रहे थे। और अभी तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, 2017 में जब बीसबो शुभ ने पबजी पीसी की वीडियोस डालनी चालू करी थी, जिससे वो वायरल हुआ था, मैंने फोर्टनाइट खेलना चालू करा था, हम दोनों ने साथ में चैनल शुरू करा था, एंड लुक एट हिम एंड लुक एट मी। उसने वो करा जो उसको पसंद था, उसने मोबाइल गेम्स भी खेले, उसने हर तरीके के गेम्स खेले, उनने लोगों को हेट नहीं करा कि अगर मोबाइल गेम्स खेल रहे हो आप तो आप बेवकूफ, आप नूब हो, आपको हेट कर रहा हूं। उन्होंने बोला आपको मोबाइल गेम्स पसंद है, ठीक है मैं आपको मोबाइल गेम्स दिखाऊंगा, पर आपको वो गेम्स भी देखने पड़ेंगे जो मेरे को पसंद है। एंड ऑडियंस लाइक ओके। बट अपने यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप कोई गेम खेल नहीं सकते तो आप उसे बेकार बता देते हो। जैसे सिख वॉरियर राका पे फोर्टनाइट खेला नहीं जाता, तो कार्टून गेम है, बेकार गेम है, बेकार कार्टून गेम है, छी गेम है भाई, हम नहीं खेलेंगे इसको, ये तो बेकार गेम है। वैलोरेंट CS:GO से ज्यादा फेमस हो रखा आज के टाइम पे, वैलोरेंट में कार्टून जैसे ग्राफिक्स ही है जैसे फोर्टनाइट के अंदर है, बट इट फेमस। उसको तो आप नहीं बोलोगे कि भाई इसमें कार्टून गेम्स है, कार्टून बेकार, बट क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एम लगता है, जैसे आप पबजी में एम लगाते हो वैसे ही आप वैलोरेंट में एम लगाते हो, बट फोर्टनाइट इज अ डिफरेंट, उसमें बिल्डिंग करनी पड़ती है जिसमें आपकी फट जाती है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपके चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज सोचे कि अगर कंसिस्टेंसी से चैनल ग्रो करता तो मैं पिछले 7 साल से रेगुलर वीडियोज डाल रहा हूँ, और शायद मेरे ऐसे काफी सारे लोगों के जो कई सालों से वीडियोज डाल रहे हैं पर उनके चैनल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हेमंत टी को ही ले लो, उसके चैनल पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी हर बार की नहीं होती, जरूरी नहीं जो चीज़ दूसरे के लिए वर्क करे वो आपके लिए भी वर्क करे। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी ज़्यादा अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है। जो वीडियो आपकी आज जा रही है बेशक वो 4 दिन बाद जाए, आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी इधर उधर हो जाए, पर अगर आपका कंटेंट ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहा है, अगर आपका कंटेंट वो वैल्यू दे पा रहा है, वैल्यू मतलब कि तुम्हें ना एक गैप लो, एक ब्रेक लो अपनी कंसिस्टेंसी से, एक हफ्ते का ब्रेक लो, 2 हफ्ते का ब्रेक लो, और सोचो कि मैं मेरे कंटेंट में क्या कर सकता हूँ। मान लो आप 9 घंटे वैलोरेंट खेल लो, 12 घंटे वैलोरेंट खेल लो, कंसिस्टेंसी एक नंबर, या आप डेली बेसिस पे स्ट्रीम कर रहे हो 10-12 घंटे की, पर उससे कुछ हो नहीं रहा है, कंसिस्टेंसी से कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तो आप उसमें क्या करो, ब्रेक लो और सोचो कि मैं मेरे कंटेंट में और क्या कर सकता हूँ। आपको दूसरे गेम्स नहीं पसंद, वैलो पसंद है, वैलो में ही बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपका फनी ह्यूमर है सो आप फनी वीडियोस में जाओ, अगर आपको लगता है कि आपका गेम प्ले अच्छा है सो सिर्फ अपनी मोन्टाजेस और हाईलाइट्स मत बनाओ, अपना माइंड जो है ना, आपकी जो IQ है, जिस तरीके से आप सोचते हो गेम गेम के बारे में वो आप बताओ ना, अपनी स्ट्रैटेजीज लोगों के साथ शेयर करो ना, ताकि उन्हें मजा आए देखने में। बाहर के लोगों को देखो, बाहर के गोरे चिकने लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। ये को नहीं है कि आपको यूनिक कंटेंट ही लेके आना है, आप दूसरे को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इट्स ओके, क्योंकि बाहर जो चल रहा है ना इंडिया में वो अभी 10 साल तक आगे नहीं आने वाला, ऐसा मेरे को अभी भी लगता है। यूनिक कंटेंट, अब यूनिक कंटेंट पर अगर मेरा एक्सपीरियंस लो तो जहाँ पे सब लोग पबजी पीसी, पबजी मोबाइल और GTA 5 खेल रहे थे, मैंने फोर्टनाइट खेलना चालू करा था जब पूरे वर्ल्ड वाइड फोर्टनाइट बूम कर रहा था, पागलों की जैसे न्यूज़ पे हर न्यूज़ चैनल के ऊपर फोर्टनाइट के चर्चे हो रहे थे, इंडिया में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था फोर्टनाइट के नाम का। सो यूनिक कंटेंट मैं मानता हूँ अच्छा होता है, एक आपकी यूनिक पर्सनालिटी लेके आता है, बट उससे भी ज़्यादा मेरे को लगता है स्टार्टिंग में आपको जो है फॉलो करना चाहिए ट्रेंड को, क्या दूसरे लोग कर रहे हैं, कि क्या चीज़ बूम हो रही है। बिकॉज मैं बताऊँ, अगर उस टाइम पे मैं पबजी मोबाइल खेलता शायद में आज शायद मेरे भी अच्छे खास सबसे होते, और आज मैं तुम्हें अच्छी अच्छी गेम्स दिखाता तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती, पर मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती जस्ट बिकॉज मैं यूनिक के चक्कर में रहा, आउट ऑफ द बॉक्स के चक्कर में रहा। सो ये इंडिया है भाई, यहाँ भेड़ चाल चलती है, पहले आप भेड़ चाल में जाओ देन गो फॉर यूनिक कॉन्टेंट। बट अगर आपको लगता है कि यू आर अ बैड एस गाय, सो या मेक योर यूनिक कॉन्टेंट, डू वट यू वॉन्ट टू डू। और मैं तो देखो ये कहता हूँ कि भाई देखो जो मेरे को पसंद है वो मैं करता हूँ, ठीक है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो खेलता हूँ, ठीक है, और जो मेरे को जो पर जो मेरी ऑडियंस को पसंद है, जो वो देखना चाहते हैं मैं उन्हें वो भी दिखाता हूँ। सो इट्स 50-50, आप मेरी सुनो मैं आपकी सुनूंगा, आपको कोई फेवरेट गेम है मैं वो खेलूंगा, मेरे जो फेवरेट गेम है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स कम्युनिटी, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है पड़ेगा ना, एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। सो या नेक्स्ट आता है कूल पर्सनालिटी, और इस चक्कर में ना ये कूल और यूनिक पर्सनालिटी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखा देखी के कॉपी करने लगते हैं। सो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि वाई यू नॉट बी रियल भाई, ठीक है मेरे को जितने भी यूट्यूबर्स दिखते हैं ना मैं उनको सबको क्यों नहीं देखता, इंडिया में यूट्यूबर्स को क्यों नहीं देखता मैं, बिकॉज मैं एक 25 साल का आदमी हूँ भाई, मैं हूँ मेच्योर, मेरे को दिख जाता है कि कौन असल में रिएक्ट कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है। और यहाँ पे लोग कूल और पर्सनालिटी बनाने के लिए ना फेक बनते हैं, एंड आई वॉन्ट टू से कि भाई आप रियल रहो, आप जितना रियल रहोगे ऑडियंस ज़्यादा उतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होगी, उतना ज़्यादा आपको शायद पसंद करें। बीस्ट बॉय शुभ के साथ सेम सीन है, ही इज़ रियल, बीस्ट बॉय शुभ को ले लो वो एकदम रियल रहता है, बट अदर यूट्यूबर्स मैं उनको देखना ही पसंद नहीं करता, बिकॉज अगर एक हॉरर गेम है ना
तो वो उसको फनी बना देगी, और अगर एक गेम में सैड मूवमेंट हो रही है वो उसको भी फनी बना देगी। सो हर चीज़ मेरे को फनी नहीं देखनी, अगर कोई चीज़ सैड है तो मेरे को सैड चाहिए, अगर कोई चीज़ फनी है फनी चाहिए, अगर कोई चीज़ हॉरर है हॉरर चाहिए, बट आपकी यूनिक पर्सनैलिटी उस चीज़ को ख़राब कर देती है। सो यूनिक पर्सनैलिटी से ज़्यादा मैं कहता हूँ आप अपनी खुद की रियल पर्सनैलिटी पर ध्यान दें, आप कैमरे के सामने वैसे ही रहे जैसे आप असल में रहते हैं, बिकॉज जैसे आप हो वैसे दिखाओगे तो इट्स रियली गुड। अब यहाँ पे डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट की बात मत कर देना, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, ओके, आप हम में सब में उसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट कौन है, सो इट्स ओके, एंजॉय योर लाइफ गाइस, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। तो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स पे यहाँ पे सिख वॉरियर का ये कहना है कि अगर आप किसी से बूस्ट लेते हो सो आपका हेल्प नहीं करता, बिकॉज अगर मैं बोल दूँ कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाके, सो आप सब्सक्राइब कर दोगे पर आप उसको देखोगे नहीं, तो आप ये आपके आपके जो चैनल बूस्टिंग है वो वर्क नहीं करता क्या, बिकॉज सिख वॉरियर का ये एक्सपीरियंस है। कैरिमिनाटी से उसको बूस्ट मिला बट नाउ हिज गॉन। बट एक चीज़ बताऊँ, आपको बूस्ट मिलता है पर अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते सो आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। अगर मैं सिख वॉरियर को एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, सो उन्होंने क्या करा, उनके कैरिमिनाटी के जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर पबजी मोबाइल वाली है, और ज़्यादातर मोबाइल ऑडियंस है बच्चे है, एंटरटेनमेंट वाली है, दे आर नॉट गेमर एट ऑल। कैरी को लोग गेम्स के लिए नहीं देखते, मोस्टली कैरी को लोग देखते हैं बिकॉज कैरिमिनाटी गेम खेल रहा है तो कैरिमिनाटी है भाई, वो फनी करेगा कुछ, ठीक है। बट जब आपके पास ऑडियंस आई है सिख वॉरियर कैरिमिनाटी की, सो वो आप वो देखने आई है कि आप क्या खेलते हो, आप क्या करते हो, पर आप उन्हें सिर्फ एक ही गेम दिखा रहे हो, एक ही गेम पे अटके पड़े हो, आप शूटिंग गेम से आगे ही नहीं बढ़ रहे, सो फिर क्या होगा। अभी तो देखो अभी डिफरेंट गेम खेल रहा है, पर अगर मैं पहले की बात करूँ ही इज़ लाइक नॉट अ कि भाई मैं अलग अलग गेम्स खेल रहा हूँ, स्टोरी गेम्स खेल रहा हूँ, ही इज़ मोस्टली प्ले शूटर गेम्स, ठीक है, और मल्टीप्लेयर गेम्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जिसको जो खेलना है वो खेले, पर वहाँ पे ये होता है कि ऑडियंस का कनेक्शन आपसे कट जाता है। आपके पास जिस तरीके की ऑडियंस आ रही है उस तरीके के फिर आप कंटेंट नहीं दोगे तो वो तो आपसे कट ही जाएगी ना। और दूसरी चीज़, राका और सिख वॉरियर दोनों ने मोबाइल गेम को गाली दे दे के ग्रो करी है कि भाई पबजी मोबाइल शिट। तो इस शिट वाले सीन में ना जो वो होता है क्या बोलते हैं, जो पीसी कम्युनिटी वो उनके पास ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गई, ठीक है, कि भाई हम एक वो चलाएंगे कि भाई मोबाइल गेमिंग को हम खत्म कर देंगे, मोबाइल गेमिंग बर्बाद कर रही है गेमिंग कम्युनिटी को, हम पीसी गेम्स खेल के कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। सो ये उनका एजेंडा था, और इस मुहिम के पीछे लोगों ने बोला कि इनको सपोर्ट करो अदरवाइज गेमिंग कम्युनिटी में पीसी गेम्स नहीं आएंगे, एंड ठीक है ये अच्छी बात है, बट ठीक है, पर यहाँ पे सीन ये होता है, मैं बस ये चीज़ बता रहा हूँ कि व्हाई ही लॉस्ट हिज सब्सक्राइबर्स, कि इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी उसकी वॉचिंग क्यों नहीं आती, बिकॉज दे हेट अदर गेम्स, और जो उन गेम्स उनको पसंद आते वो खेलते थे, और जो गेम उन पर नहीं खेले जाते वो उसको बेकार बता देते, जैसे फोर्टनाइट को उन्होंने बोला कार्टून गेम है बेकार हटाओ, ठीक है। और वहीं पर अगर आप अगला एग्जांपल ले, सो अंशु बिस्ट को देख लो, अंशु बिस्ट गेमर फ्लिट को देख लो, तन्मय भट्ट की रेड गई थी, तन्मय भट्ट की रेड भी कौन है, ज़्यादातर बच्चे या फिर मेच्योर ऑडियंस है कि जिनको गेम्स के बारे में भले ही ना पता हो पर उन्हें इंटरटेनमेंट के बारे में पता है, दे आर इंटरटेनमेंट। और अंशु बिस्ट क्या देता है, इंटरटेनमेंट, माइनक्राफ्ट देता है। अब बूस्ट हुआ चैनल बूस्ट होने पे उसको व्यूज आ रहे हैं, एंड ही चूज द गेम जो कि बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, बच्चे मोस्टली देखते हैं, सो उसने उस बूस्ट का अच्छा फायदा उठाया, उसको बूस्ट आया एंड ही प्ले। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ कहता हूँ कि बूस्ट लेना गलत बात नहीं है, पर आप किस ऑडियंस का ले रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर मैं अब देखो मैं हूँ टोटल गेमिंग, अगर मेरे ऊपर रेड मार दे और बोले कि भाई सैविज सैनी को सब्सक्राइब कर दो, अब टोटल गेमिंग ने मेरे ऊपर भेज दिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर, अब उन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मैं कैसे यूज़ करूँगा मेरे को पता है। अगर मेरे ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ गए और मैं फोर्टनाइट दिखा रहा हूँ तो मैं लगता है वो देखेंगे भाई, वो फ्री फायर वाले हैं, वो फोर्टनाइट नहीं देखेंगे। अब उसने मेरे पास ऑडियंस भेज दी 1 मिलियन, मैं फोर्टनाइट खेल रहा हूँ, वो क्यों देखेंगे। 1 मिलियन होने के बाद भी मेरी वॉचिंग 30-40 रहेगी, बट अगर मैं उस 1 मिलियन के साथ फ्री फायर देखूँ, फ्री फायर खेलूँ, सही हो ना, क्या होगा। तो अगर आप वैलोरेंट खेलते हैं सो आप अपनी अपने तरीके के लोग ढूंढे और उनके साथ कोलैब करें, बूस्ट करना एक दूसरे को सपोर्ट करना गलत नहीं है, आप एक दूसरे कंपटीशन नहीं हो, आप एक कम्युनिटी हो, आपस में साथ मिलकर रहो, कोलैबोरेशन से बहुत ग्रो हो सकता है भाई, एक दूसरे को लोग जानते हैं। अगर आप सोल गेम्स खेलते हो तो आप सोल गेम्स वालों के साथ कोलैबोरेशन करो, आप स्टोरी गेम खेलते हो आप उनके साथ करो, और अगर आप लोग डिफरेंट गेम्स खेलते हो तो आप एक दूसरे के साथ कोलैब करो, कोलैब में कुछ वो गलत नहीं है यार, आप एक दूसरे के ऑडियंस को शेयर करो। अगर आपके पास वैलोरेंट की ऑडियंस है तो उनको आप क्या बोलते हैं CSGO की ऑडियंस के पास शेयर करो, CSGO की ऑडियंस आएगी तो आप उनको स्टोरी गेम्स वालों के साथ शेयर करो, स्टोरी गेम्स वाले डार्क सोल गेम्स के साथ शेयर करो, अलग अलग गेम्स के साथ ऑडियंस बनाओ, कोलैब करो, बूस्ट करो एक दूसरे को यार। ये चीज़ नहीं है कि यार मैं शाउट आउट दे दूंगा आपको सब्सक्राइब कर लेंगे लोग पर वो आपको देखेंगे नहीं,
भाई अगर तुम सही से दिखाओगे तो देखेंगे ना, अगर आप गाली दे देंगे भगा दोगे तो कोई नहीं देखने वाला। अगर आप आपके पास फ्री फायर के ऑडियंस और आप बोलोगे कि भाई तू तो फ्री फायर खेलता है तू चूतिया निकल पक पोस्टी के, तो फिर सर तो गलत बात है ना। अगर आपके पास फ्री फायर वाला बंदा आया है और वो आपसे बोल रहा है फ्री फायर खेल लो, तो आप बोलोगे भाई देखो मैं फ्री फायर नहीं खेलता, मेरे को नहीं पसंद, मैं ये गेम खेलता हूँ, आपको देखना है। अगर ही आप इतना हम्बल रहोगे ना वो जरूर देखेगा, पर आप उसको गाली देके भगाओगे तो वो नहीं देखेगा, ठीक है। तो बूस्टिंग वर्क करती है जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप बूस्टिंग लोगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शाउट आउट वगैरह लेते हो सो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वो जेन्युइन ही होते हैं, आप किस तरीके से यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब योर यूनिक टाइटल के चक्कर में लोग तड़कता भड़कता टाइटल डालने के चक्कर में लोगों को गेम से कनेक्ट करना ही भूल जाते हैं कि भाई गेम क्या है, गेम से कनेक्ट कैसे करना है। क्लिकबेट के चक्कर में वो ऐसे ऐसे टाइटल डाल देते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये गेम है क्या, ठीक है। अब मान लो किसी को प्रिंस ऑफ पर्शिया है, कोई प्रिंस ऑफ पर्शिया की वीडियोस डाल रहा है, तो वो बंदा लिख देगा अरेबिया का राजा वाली गेम, ऐसा कि एक प्रिंस की जादुई गेम। अब भाई जो लोग प्रिंस ऑफ पर्शिया को जानते हैं वो तो क्लिक ही नहीं करेंगे ना भाई, आप किस ऑडियंस पर टारगेट करो। अगर आपकी गेमर ऑडियंस है सो आप टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हो, बट यूनिक टाइटल भाई ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा आपकी वीडियोस में। अगर आप फ्री फायर की वीडियो बनाते हो, पबजी वाले बनाते हो तो वर्क कर सकता है, बट अगर आप एक अच्छे वैलोरेंट प्लेयर हो फिर वो सो आपको गेम मेंशन करना पड़ेगा, गेम से रिलेटेड चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे आखिरी पॉइंट आता है एडिटिंग। आजकल मैं देख रहा हूँ भाई लोग क्या करते हैं ना, दो दो घंटे का गेम प्ले होता है उसको 15 मिनट का बना देते हैं, 25 मिनट का बना देते हैं, लोगों का टाइम बचाने के लिए कि भाई लोगों का टाइम बचेगा, लोगों को वो जल्दी जल्दी वीडियोज़ दिखाएंगे, जल्दी जल्दी चीज़ चलेगी तो उन्हें मज़ा आएगा। भाई क्या मज़ा आएगा अगर एक स्टोरी गेम है अगर आप उसको 15 मिनट का बना रहे हो तो लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, लोग क्या देखेंगे भाई, हाईलाइट दिखा रहे हो आप उनको। हाँ अगर आप एक गेम से लोगों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उसकी स्टोरी नहीं बता पा रहे, गेम में चल क्या रहा है वो ही नहीं बता पा रहे, बिकॉज अब 15 मिनट की इस वीडियो में इट्स इम्पॉसिबल यार, इट्स इम्पॉसिबल, आप हर चीज़ ही काट रहे हो। और फिर मीम घुसेड़ो भाई, मीम घुसेड़ दो वीडियो के अंदर भाई, मीम घुसेड़ दो वीडियो के अंदर भाई, क्यों घुसेड़ दो मीम, अगर डार्क सोल गेम है तो उसमें डार्क है ना भाई, क्यों घुसेड़ू मैं उसके अंदर मीम, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा भाई। गेम वीडियो है तो उसमें गेम दिखाओ ना, उसमें इतनी ज़्यादा एडिटिंग क्यों कर देते हो कि 90% की वो, इसमें तो वाला डायलॉग आया था फिर यार, एक वीडियो देखी थी मैंने एक यूट्यूबर की, उसमें बोलता है कि गेम खेलूँ झाट पर एडिटिंग करूँ रात भर, मतलब गेम खेलूँ उतना सा और एडिट करूँ इतना सारा, भाई क्यों। वैलोरेंट के मोन्टाज बनाते रहेंगे, वैलोरेंट की मोन्टाज बनाते रहेंगे, उसके अंदर दुनिया भर का एडिट कर देंगे, भाई दुनिया भर का एडिट करने से अच्छा ना अगर आप गेम की टिप्स दो, गेम के बारे में बताओ, अपनी स्ट्रैटेजीज बताओ गेम के अंदर, आप किस तरीके से ग्राइंड करते हो, किस तरीके से रैंक अप करते हो, ठीक है। अगर आप स्टोरी गेम्स बता रहे हो तो स्टोरी के बारे में बताओ, या फिर गेम में क्या हो रहा है वो बताओ, लंबी लंबी वीडियोज़ बनाओ, ठीक है, तो तब वो कनेक्शन बनता है ना। पर अगर आप एडिटिंग के चक्कर में मतलब इतना सा गेम डालोगे, इतनी एडिटिंग डालोगे, तो भाई फिर क्या ही मैटर रह जाएगा भाई, कोई जाके एल्बम एडिट कर लो, मूवी एडिट कर लो कोई यार। सो बस यही है कि हर चीज़ बैलेंस रखो। एडिटिंग आप ऐसे रख सकते हो कि 30% एडिटिंग है, 70% गेम प्ले, बिकॉज इट्स गेमिंग वीडियो, 70% गेम प्ले, 30% एडिटिंग, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट अपने यहाँ पे क्या होता है, 90% एडिटिंग होगी, 10% गेम होगा, दैट्स अ बैड थिंग। अगर तुम लोग एग्री करते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। एंड एक बोनस टिप मैं तुम्हें देता हूँ, वॉच बजर्क, बजर्क देखो, या तो इसको देखने से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा, लाइफ अच्छी चलेगी तुम्हारी, या फिर तुम्हें लाइफ भर का ट्रॉमा मिल जाएगा और तुम पागल हो जाओगे। सो यार चॉइस इज योर्स, बाय, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। एंड वन मोर थिंग यार, ये वीडियो ना थोड़ी लेट हो गई है, और अब एक चीज़ बताऊँ, मेरे पे मैं गेमिंग वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, पर ये हर मंडे को वीडियो अपलोड करने के चक्कर में ना मेरी गेमिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, ठीक है, और मैं मोस्टली गेम खेल भी नहीं पाता, स्क्रिप्ट भी नहीं कर पाता, बिकॉज इट्स सो प्रेशराइज कि मेरे को सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाने के। अब 3 घंटे के अंदर इट्स लाइक इम्पॉसिबल यार, तो ऐसा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं हर मंडे को ना डाल पाऊँ, सो एक आध दिन आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये वीडियो भी आज सुबह आने वाली थी पर शाम को आ रही है, जस्ट बिकॉज इसका रिकॉर्डिंग एडिटिंग पूरा नहीं हुआ था। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कुछ बढ़िया सा। अगर तुम टॉपिक शेयर करना चाहते हो कि किसी वीडियो के ऊपर मैं टॉपिक बनाऊँ, किसी वीडियो को कवर करूँ, सो तुम वो भी कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो मैं किसी की वीडियोज रिएक्ट करूँ, सो मेरे को डिस्कॉर्ड पर मैसेज कर दो, डिस्कॉर्ड का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।